इट्स टाइम टू से बाय बाय टू कुंभलगढ़ फोर्ट, और यहाँ से हम अपनी जर्नी आगे की करते हैं कंप्लीट, जो कि हम पहुँचते हैं माउंट अबू। सो अभी सारे मिले थे यहाँ पे, जानना चाहते थे कहाँ से हूँ मैं। सो मेरा चैनल देख लिया ना, राइडर्स जंक्शन देखना वीडियोस, इनके पास है चैनल का नाम, ठीक है, मेरे पास भी होगा, आ जाएगा। चलो ओके जी। सो अभी हम निकल गए हैं अपनी आगे की जर्नी बोले तो माउंट आबू के लिए। सो उदयपुर का रूट थोड़ा अलग हो जाता है, माउंट आबू का रूट यहाँ से आता है, जो कि अच्छा रूट है। मैंने किसी से पूछा तो वो बताते कि हमारी बस चलती है इस रूट में। सो वहाँ पे ये यहाँ से करीब है 150 किलोमीटर। पंद्रह किलोमीटर की पहाड़ी है सिर्फ, उसके बाद 30 किलोमीटर के बाद हाईवे आ जाता है, वो सीधा हाईवे जाता है माउंट आबू पे। तो यहाँ की ग्रीनरी देखो एक बार कितनी प्यारी है। ये अभी जो हम केल, ये जगह का नाम है केलवा, जो कुंभलगढ़ है वो केलवा के अंदर आता है। तो यहाँ पे किसी चीज़ की खेती होती है, आई डोंट नो किस चीज़ की होती है। सो अभी जो हिल्स वाला एरिया था वो क्रॉस हो गया सारा। सो वहाँ से निकल के अभी हम हाईवे पे चढ़ गए हैं। अब हाईवे वाला रूट है ये, कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्रॉस हो जाएगा। टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, टाइम हुआ है कुछ 6:15। तो अभी मैं रुका हूँ थोड़ी सी चाय पीने के लिए, क्योंकि ठंडा मौसम हो चुका है, चाय पीने का मन कर रहा था। तो मैंने कहा चलो रुक के एक बार चाय पीते हैं। यहाँ से माउंट आबू है अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर, और एक बार जगह का नाम पूछ लेते हैं कि जगह का नाम क्या है। जगह का नाम क्या है ये बिमाना। ओके, तो अभी बिमाना में हूँ, माउंट आबू से 40 किलोमीटर के करीब है। तो अभी मौसम बहुत ठंडा हो गया, तो हुआ क्या बेसिकली ना, मैं हेलमेट का कुछ ये निकल गया था, ये लगाने के लिए मैं रुका। तो मैंने कहा लगे आते काम करते हैं, चाय भी लेते हैं ताकि फ्रेश हो जाएंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद आगे की जर्नी कंप्लीट करते हैं। थोड़ी सी रह गई है 40 किलोमीटर, करीब एक घंटा लगेगा, एक घंटे में पहुँच जाएंगे, फिर मस्त है सब बढ़िया एकदम से। चलो मिलते हैं आपको रूट के, यहाँ पर बैठ के मैं चाय पी रहा हूँ अभी, जो पिंड वाला स्टाइल होता है। सो फाइनली हमारा चाय मैंने पी ली है। माउंट आबू यहाँ से है कुछ 40 किलोमीटर, 40 भी नहीं है, उन्होंने बताया 30 किलोमीटर ही है, 30 किलोमीटर फटाफट पहुँचेंगे। और उन्होंने बताया कि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ की मुझे भी टेंशन है, बट कोई दिक्कत नहीं। अबू का रूट यहाँ से है, वहाँ से अगर मेन रोड से आ रहे हो, वहाँ से फ्लाईओवर के नीचे से एक छोटा सा कट है,
वो लोगे तो सीधा माउंट आबू के लिए है ये, और ये यहाँ से ये 20-25 किलोमीटर है। ये फाइनल रोड जो माउंट आबू को जाती है, और जैसे कि माउंट आबू एक हाइट के ऊपर है तो यहीं से चढ़ाई शुरू होती है इस माउंटेन की। सो इस माउंटेन की चढ़ाई के कोने पे बिल्कुल टॉप पे जाके वहाँ पे फिर हमारा अपना माउंट आबू। सो ये कुछ ज़्यादा नहीं है, 15-20 किलोमीटर की है। और वैसे तो उन्होंने मुझे कहा था, कोई कह रहा था कि रात को कम ही यूज़ होती है, बट ऐसा नहीं है, बहुत लोग आ जा रहे हैं, मैंने देखे हैं। ये मेरे को लेके जा रहे हैं रूम दिखाने, तो लेट्स सी, देखते हैं कैसा रूम है। सो अभी सो ये है मेरे माउंट आबू के होटल की एग्जिट एंट्री, मैं कर चुका हूँ, भूख लगी है, कुछ खाने जा रहा हूँ। जगह अच्छी है, जो यहाँ की मैं अभी नाइट लाइफ चेक कर रहा हूँ ना, बेसिकली जो बाहर की मार्केट वार्केट है वो मैं देख रहा हूँ, तो मनाली से भी एक स्टेप ऊपर है। सो एक काम करते हैं, पहले ना इस रेस्टोरेंट पे जाके मैं देखता हूँ कि खाने में क्या क्या है, फिर देखते हैं उस हिसाब से प्लान करता हूँ। और ये देखो मार्केट, मार्केट ज़बरदस्त है। एक बार पहले होटल में जाता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। राइट, सो मैं चेक कर रहा था सामने वाले होटल पे, बट वहाँ पे जो मुझे खाना था वो सब नहीं है। यहाँ की मार्केट में दिखाऊँ तो ये मार्केट इधर से इधर भी है, मेन मार्केट यहाँ पे है, मार्केट बहुत बड़ी है। थोड़ा सा चलते हैं, बाकी यहाँ का जो रूट है वो बहुत अच्छा है, पूरा जंगल के बीच में से आना पड़ता है, जो मतलब माउंटेन के ऊपर चढ़ना पड़ता है। बेसिकली मेन रोड से जहाँ से मैंने दिखाया था वहाँ से एक एंट्री कटती है पहाड़ के ऊपर के लिए माउंटेन के, वो ऊपर चढ़ता रहता है, फिर वो ऊपर जाके टॉप पे ये व्यू आ जाता है। राइट, सो अब एक काम करते हैं, अब मैं जाता हूँ आराम से बैठता हूँ, कुछ खाना पीना करता हूँ, कल यहाँ से निकलूँगा जयपुर के लिए, जयपुर जाके फिर आपसे बात करते हैं कि उसके बाद का, क्योंकि उसके बाद तो घर जाना है। राइट, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, आपको एंजॉय किया होगा। तो मैंने जान के वीडियो को इस हिसाब से बनाया है कि किया क्या है मैंने, कि हर पूरा डे का एक व्लॉग दिखाऊंगा, और जो पर्टिकुलर लोकेशन, जैसे आज मैं कुंभलगढ़ गया तो वो पर्टिकुलर कुंभलगढ़ का एक अलग से दिखाऊंगा। उससे क्या होगा कि बेसिकली जिसको कुंभलगढ़ के बारे में सिर्फ देखना है वो सिर्फ कुंभलगढ़ का देखेगा, बाकी नहीं देखेगा। जिसको पूरा देखना है वो पूरा देख सकता है, उसमें बाइक राइड भी होगी, सब कुछ होगा। सो इस तरह से मैंने जान के प्लान किया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, जो मर्जी करो, एंजॉय करो, चिल मारो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।